हेलो एवरी वन दिस यशवर्धन शर्मा एंड एज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स रिलेटेड टू योर टॉपिक नाउन एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ नाउन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन आप सभी को पहले बेसिक नाउन की जो शीट्स है वो करनी होगी मेरे साथ क्योंकि उसके बाद ही हम जाएंगे जो मेन्स लेवल है जो आपका टिपिकल लेवल है एडवांस लेवल है उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आप लोगों को एडवांस फाइल या एडवांस जो शीट है जो बनाई गई है उसको आप सॉल्व करने में समस्याएं आएंगी तो पहले सबसे पहले अगर आप शीट सॉल्व करने वाले हैं तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसकी सारे लेक्चर्स देखिए और उस लेक्चर्स के बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ों को हम कवर कर पा रहे होंगे चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउंस की तो आज हम शीट जो करने वाले हैं वो बेसिक सीट है उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस सीट की तो पहले दो दिन लेंगे हम लोग बेसिक सीट में उसके बाद एडवांस अच्छा इसमें बेसिक सीट में मैंने सारे नाउन आप लोगों के यूज़ किए हैं तो इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि जितने भी आप लोगों ने रूल्स पढ़े हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे चलिए पढ़ते हैं तो शुरुआत करते हैं आज बेसिक सीट की नाउन की चलिए तो शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक सी मैंने चीज़ें बनाई हैं ताकि ये केवल रूल कवर करने के लिए आपको ये एग्जाम में किस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है वो सारी चीज़ों को समझने के लिए सारी बातें आप लोगों को आज पढ़नी है तो पहला वर्ड दे रखा है वो एट फ्रूट्स डेली अब देखिए वर्ड क्या होता है दो वर्ड होते हैं एक होता है फ्रूट और एक होता है फ्रूट्स फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट का मतलब होता है ईडेबल थिंग्स जैसे आप जितने भी फल वगैरह खाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फ्रूट हालांकि वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट को आजकल हम लोग फ्रूट्स बोल देते हैं लेकिन फ्रूट जो होता है वो होता है इडेबल थिंग्स और फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों से द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट तो वहां फ्रूट्स हो जाएगा क्योंकि हार्ड वर्क का जो फ्रूट्स है वो कैसा है स्वीट है लेकिन यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां इडेबल थिंग्स की आप बात कर रहे हो बात किसकी कर रहे हो इडेबल थिंग्स की तो इडेबल थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इडेबल थिंग्स के लिए वहां फ्रूट वर्ड आता है ना कि फ्रूट्स तो सही जो वर्ड आएगा होगा आपका सही जो वर्ड होगा वो क्या होगा फ्रूट होगा तो सही सेंटेंस होगा वी ईट फ्रूट डेली समझ पा रहे हैं आप लोग फ्रूट जो होता है वो रिजल्ट uh, होता है क्लियर जैसे अगर सेंटेंस होता द फ्रूट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क हार्ड वर्क इज स्वीट द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट यानी जो मेहनत का फल होता है मेहनत का फल वो कैसा होता है मीठा होता है तो वहां जो रिजल्ट की बात कर रहा है यहां फ्रूट्स फल नहीं है फल मतलब ईडेबल थिंग्स नहीं है फल है लेकिन किसके अर्थ में रिजल्ट के अर्थ में और वहां हमेशा कैसा होता है सिमिलर होता है तो ये बात आपको याद रखनी है कि फ्रूट वर्ड का मतलब होता है ईडेबल थिंग्स और फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट समझ में आया आप लोगों के इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस हम लोग आज कवर करेंगे आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे गिव हिम मैनी एडवाइस अगर हम एडवाइस की बात करें

क्या कर सकते हैं हम पीसेस ऑफ मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस यानी आप लिख सकते हैं गिव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस तो पीसेस ऑफ एडवाइस का जो मतलब होगा वो एडवाइस का प्लूरल हो जाता है जैसे फ्रूट की अगर उसकी बात करें फ्रूट की या ब्रेड की बात करें तो ऑफ ब्रेड होता है स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है इसी तरीके से एडवाइस की बात करते हैं तो पीसेस ऑफ एडवाइस होता है वर्क की बात करते हैं तो पीस ऑफ वर्क होता है एब्यूज की बात करें तो वर्ड्स ऑफ एब्यूज होता है मिशिफ की बात करें तो एक्ट ऑफ मिशिप होता है क्लियर तो ऐसे हम इनका प्लूरल बना सकते हैं फर्नीचर्स आर्टिकल ऑफ फर्नीचर्स तो मैनी अगर आप जोड़ रहे हो तो मैनी के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा पीसेस ऑफ एडवाइस क्लियर तो सही सेंटेंस होगा गिव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस या आप कर सकते हो गिव हिम मच एडवाइस इन क्लियर टेक्स सम मोर एग्जाम्पल कलकत्ता इज वन ऑफ द हाईली पॉल्यूटेड सिटी पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड कलकत्ता इज वन ऑफ द हाईली पॉल्यूटेड पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्लियर तो कलकत्ता वन ऑफ द हाईली पॉपुलेटेड सिटी देखिए पहला ही कॉन्सेप्ट था हमारा कि जहां ऑव का यूज सिलेक्शन के लिए होता है जहां ऑव का यूज किस लिए होता है सिलेक्शन के लिए होता है वहां नाउन हमेशा कैसा आता है प्लूरल आता है जहां ऑव का यूज सिलेक्शन के लिए होता है वहां नाउन हमेशा कैसा आता है प्लूरल आता है जरा इस बात को समझिए ऐसे जैसे अगर सेंटेंस दिया जाए ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड या फ्रेंड्स तो आप कहेंगे सर यह होगा फ्रेंड्स मतलब क्या है कि जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वह उन बेस्ट फ्रेंड में से एक है तो ऑफ का यूज किस लिए हो रहे हैं सिलेक्शन के लिए तो जब ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए होता है तो नाउन जो आता है हमेशा कैसा आएगा प्लुरल क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिलेक्शन के लिए कम से कम एक से अधिक ऑब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए

सिटीज हो जाएगा क्योंकि वाई का जब हम प्लूरल तो किया गया क्योंकि जा कि जितनी भी है, से, से एक है। बात समझ पा रहे हैं आप तो ऑफ का यू जब भी सिलेक्शन के लिए होगा तो नाउन कैसा आएगा प्लूरल आएगा। मैंने आपको पहले ही क्लास में पढ़ाया था ये बात आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका no दे रखा है She has no issues. आप याद कीजिए मैंने आपको कुछ वर्ड पढ़ाए थे इशू ऑफ स्प्रिंग शेप स्वाइन पेग क्लियर इसके अलावा भी वर्ड थे जैसे सैलम मैक्रियल कॉड या आपका फिश ये हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में कैसे रहते हैं सेम रहते हैं क्लियर और अगर ये सेम रहते हैं देखिए इशू के दो मतलब होते हैं इशू का एक मतलब होता है संतान और एक इशू का मतलब होता है टॉपिक मुद्दा तो जब इशू का मतलब टॉपिक होता है तो उसका प्लूरल इश्यूज हो सकता है लेकिन जब ईशू का मतलब ऑफ स्प्रिंग होता है संतान होता है तो उसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही ईशू ही रहेगा उसमें एस लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है यह पढ़ाया था मैंने तो ईशूज नहीं वर्ड होगा क्या होगा ईशूज क्या वर्ड आएगा इशू वर्ड आएगा तो ईशूज नहीं होगा सिंगुलर प्लूरल इशू रहेगा इशू का मतलब यहां संतान से है क्लियर आगे बढ़ते हैं द इशूड सम सम्मंस होता है कोर्ट का बुलावा इनिंग्स, सीरीज, न्यूज ऑल नाउंस शुड बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर तो अगर सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली बर्ब भी कैसी होनी चाहिए तो आप कहेंगे सर आने वाली बर्ब हमेशा कैसी होगी सिंगुलर होगी क्लियर सम्मंस अच्छा एक बात और बताऊं आपको जैसे अगर होता -M -M है टू सम्बंध एस यू डबल एम ओ एन एस ये वर्ड दे रखा है टू सम्म तो आप एक बात समझिए सम्मंस तो सिंगुलर होता है न्यूमेरिकल एजेक्टिव आ रहा है दो तो सम्मंस का जब आप प्लूरल बनाओगे तो सम्मंस का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा टू सम्मन सेज एस ई एस यानी ई एस और लगाना पड़ेगा आपको सम्मन सेज करने के लिए समझ में आ रहा है आपके चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो अगर सम्बंध सिंगुलर है सम्बंध होता कोर्ट का बुलावा तो इसके साथ जो बर्ब आएगी वो क्या आएगी हैज आएगी आगे बढ़ते हैं योर हेयर आर ब्लैक मैंने आपको बताया हेयर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है सिंगुलर होता है अगर मुझे बोलना है कि मेरे बाल काले हैं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा माई हेयर इज ब्लैक तो इसी तरीके से तो पहले तो हेयर में से एस हटेगा ऊपर से इसमें इस आर जगह क्या आएगा इज आएगा समझ पा रहे हैं आप लोग गिव हर अ टेन रुपीज नोट देखिए इसे थोड़ा समझिए ये दिख रहा है ये वर्ड ये हाइफिनेटेड वर्ड होता है हाइफिनेटेड नाउन

तो सही वर्ड क्या क्या होगा? हर आ, नोट. क्या होगा? दो नाउन एक पास हो गए पहला नाउन दूसरे को मॉडिफाई करेगा पहला एजेक्टिव बन जाएगा the word that modify, noun and pronoun adjective. तो पहला अगर एजेक्टिव बन जाएगा तो पहले एजेक्टिव में हम लोग ऐसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा है आपको टूथ पेस्ट नहीं होता टूथपेस्ट होता है फुटबियर नहीं फीड बियर नहीं होता फुटबियर होता है भले ही हम दोनों पैरों में पहनते हैं लेकिन क्या दांतों पर करते हैं फिर भी बोलते क्या है क्योंकि पहला वर्ड जो होता है वो बन जाता है दो नाउन में क्लियर या तो ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए हाइफिनेटेड नाउन जितने भी होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ये बात समझ में आ गई आपके चलिए इसके बाद आगे चलते हैं आपके अगला वर्ड दे रखा है एक ठीक अगला वर्ड दे रखा है, दे है प्लान तो वर्क। उनके पास पांच साल प्लान है साल का प्लान है इस काम को कंप्लीट करने के लिए तो आप एक बात समझिए क्या वर्ड आ रहा है फाइव इयर्स प्लान दो नाउन पास पास कहां आ रहे हैं ये भी नाउन ये भी नाउन ये इसको मॉडिफाई करेगा ये एजेक्टिव बन जाएगा और एजेक्टिव इसमें प्लुरल नहीं होता एजेक्टिव तो अगर प्लूरल नहीं होता एजेक्टिव प्लूरल नहीं होता तो सीधी सी बात है फाइव या फाइव ईयर प्लान तो आप कहेंगे फाइव ईयर प्लान समझे इस बात को सही वर्ड क्या होगा फाइव ईयर सही वर्ड है लेकिन अगर प्लान आ गया नाउन लग गया तो वो क्या हो जाएगा फाइव ईयर प्लान क्लियर तो यहां फाइव ईयर्स नहीं होगा क्या होगा फाइव ईयर होगा

तो रविंदनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जीता अपने वर्क पर गीतांजलि पर तो यहां पर जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है एब्सटेट नाउन है और एब्सटेक्ट नाउन में कभी मैनी का यूज नहीं होता मच का यूज होना चाहिए अगर आप मैनी यूज करना चाहते हो तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको पीसेज ऑफ वर्क जैसे हमने एडवाइस कर दिया था मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस प्लूरल बनाने के लिए इसी तरीके से करना पड़ेगा मैनी पीसेज ऑफ वर्क नेक्स्ट आई एम ऑलवेज ट्रू टू माई वर्ड्स अगला है आई एम ऑलवेज ट्रू टू माई वर्ड वर्ड के दो मतलब मैंने आपको बताए थे एक वर्ड का मतलब बताया था शब्द और जब वर्ड का मतलब शब्द होता है तो ये कौन सा नाउन होता है तो आप कहेंगे ये ये वर्ड जो शब्द के रूप में यूज होता होता है ये होता है कॉमन नाउन तो कॉमन नाउन का वर्ड वर्ड का का वर्ड्स हो जाएगा लेकिन जब का मतलब प्रॉमिस से होता है तो वहां पर जो वर्ड प्रॉमिस के अर्थ में यूज होता है वो हमेशा कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है क्योंकि वो एब्सट्रेट नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन में कभी ऐसे यूज नहीं हो सकता अब आप सोच के बताइए शब्दों की बात हो रही है वादे की बात हो रही है वादे का पक्का आदमी है या मैं वादे का पक्का आदमी हूं तो यहां पर वर्ड्स का मतलब है वादा प्रॉमिस वर्ड्स का मतलब क्या है यहां प्रोमिस है और वर्ड्स का मतलब अगर प्रोमिस है तो वर्ड्स वर्ड word नहीं होगा क्या होगा वर्ड होगा सेंटेंस होगा आई एम ऑलवेज ट्रू टू वर्ड्स क्लियर बात समझ पा रहे हैं आप लोग देखिए मैं ये बेसिक सीट आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग जब एडवांस सीट करें तो आपको समस्या ना आए तो ये बेसिक सीट जरूर कवर कीजिए और उससे पहले लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि सारे लेक्चर जब आप नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे यकीन मानिए देयर विल नॉट बी अगल क्वेश्चन दैट दैट यू यू विल कैन नॉट सॉल्व इट क्लियर जैसे आप सॉल्व ना कर सको क्स्ट द रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर अगला है, road is closed for repair. तो आप लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद कोई भी प्रेपोजिशन दे रखा हो उसके बाद जब भी कोई बर्व आती है प्रेपोजिशन के बाद आने वाली बर्व हमेशा जेरेंड में आती है और जेरेंड क्या होता है आई एनजी फॉर्म ऑफ द बर्व और जेरेंड काम करता है नाउन की तरह। तो अगर हम इस फॉर के बाद बर्ब देख रहे हैं रिपेयरिंग रिपेयर तो क्या कर सकते हैं हम रिपेयरिंग

आगे बढ़ते बढ़ती यूनिट फोर हंड्रेड रुपीज टू बाई बुक्स तो मैं आवश्यकता है चार सौ रुपए की क्लियर अब देखिए समझिए रूल याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप वापस जाके वीडियो पहले उसे देखिए सारे लेक्चर्स लेक्चर्स जो भी आठ डाली आठ डाली हैं शीट मैंने डाले हैं उन्हें देखिए अच्छे तरीके से तभी आप इन चीजों को और अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे दूसरा वर्ड दे रखा है हंड्रेड जैसे मैंने आपको वर्ड लिखाया था डजन स्कोर हंड्रेड ब्रास पेयर मिलियन, uh, बिलियन ये जितने भी वर्ड हैं इनसे पहले अगर नोमेरिकल एजेक्टिव लग जाता है तो वो डेफिनेट हो जाते हैं जैसे इस बेडनेस को समझिए यूनिट फोर हंड्रेड रुपीज आपको कितने रुपए चाहिए चार सौ रुपए आप ये नहीं बोलोगे चार सैकड़ों रुपए चाहिए चार सौ रुपए डेफिनेट कर दिया आपने क्लियर अगर मैं कहूं ही सोल्ड टू डजन एक्स

तो आप कहेंगे दो दर्जन तो यहां एस का यूज नहीं होना चाहिए क्लियर आगे बढ़ते हैं पे माई रेस्पेक्ट टू योर फादर देखिए कुछ वर्ड लिखाए थे मैंने आपको जैसे वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको थैंक थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद तो में अंतर होता है। जब थैंक वर्ड होता है धन्यवाद देना तो वो क्या होता है वो वर्ब होती है जब थैंक्स की बात करते हैं हम लोग तो वो जो होता है वो नाउन होता है क्लियर अब यहां पर आपको यह देखना है कि जो यहां पर रेस्पेक्ट दे रखा है जैसे रिगार्ड्स रिगार्ड होता है ऐसी रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट होता है यहां रेस्पेक्ट जो दे रखा या है ये नाउन है या तो आप देखिए सम्मान अपने पिता तक पहुंचा दो तो अगर ये ऑलरेडी बर्व है तो यहां हमें क्या चाहिए नाउन चाहिए और नाउन चाहिए तो रेस्पेक्ट वर्ड नहीं आएगा क्या आएगा रेस्पेक्ट वर्ड आएगा क्लियर क्या आएगा रेस्पेक्ट इट आई मीन क्लियर नेक्स्ट समझिए ही हैज एन अर्जेंट वर्क एट होम वर्क

तो वो दक्ष्य किसने मैथमैटिक में मैथमैटिक कोई वर्ड नहीं होता क्या वर्ड होता है मैथमेटिक्स होता है बात समझ पा रहे हैं आप लोग ये बहुत बेसिक सी बातें हैं मैंने करा रहा हूँ आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो चीज़ों को जानते होंगे पढ़ रखे होंगे लेकिन आप एक बात समझिए अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपको जो एडवांस लेवल की शीट में कराने कराने वाला हूँ आज से एक दो दिन बाद वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे बसरते आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्लियर ये केवल रिवाइज करा रहा हूं मैं जो भी आर्ट लेक्चर मैंने आपको कराए हैं उन सारे एग्जांपल्स देखे किस किस तरीके से आते हैं और यही तरीके हैं जो आपको बेसिक से मीन या बेसिक से एडवांस तक पहुंचाएंगे आगे पहुंचते हैं डो नॉट हेट द पुअर्स देखिए फिर से वर्ड आ गया हेट द पुअर्स पुअर इज एन एजेक्टिव और आप लोगों को यह पढ़ाया था मैंने रूल कि जब भी किसी एजेक्टिव में आर्टिकल दा लगता है जब भी किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल दा लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल नाउन में यानी जब भी किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल का यूज करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल नाउन में तो अगर ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया तो पुअर ऑलरेडी प्लूरल हो गया भाई पुअर पुअर का मतलब गरीब गरीब लोग रिच अमीर, दा रिच अमीर अमीर द लोग हम्बल, हम्बल इंटेलिजेंट बुद्धिमान द इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग वाइज बुद्धिमान दा वाइज विद्वान लोग ब्रेब बहादुर द ब्रेव बहादुर लोग तो वहां जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल नाउन में तो जब ये प्लूरल नाउन बन गया पुअर तो क्या इसमें एस आना चाहिए बिल्कुल नहीं तो होगा नॉट हेट पुअर डो नॉट हेट पुअर आगे बढ़ते हैं I highly admire the sceneries of Kashmir. क्या आ रहा है Scenaries. आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका सफिक्स या तो ई आर वाई है या ई ए -ए है क्लियर इनमें ये हमेशा कैसे होते हैं सिमिलर होते हैं इनमें हम लोग इनका प्लूरल नहीं बना सकते वो सही है कि वाई का प्लूरल आई एस करके ही बनता है

सॉरी मेटेरियल है मेटेरियल नाउन में कभी भी ऐसे यस का यूज नहीं होता आई talk टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स द राइट फ्रेज इज members ऑफ योर फैमिली क्लियर आई shall टॉक टू द मेंबर्स द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली जो सही वर्ड होगा आई shall टॉक टू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली क्लियर

नेक्स्ट वर्ड इज कैटल्स आर ग्रेजिंग कैटल्स कैटल इन्फेंट्री कैवेलरी फॉक मेजोरिटी क्लियर जितने भी वर्ड होते हैं ये पीजेंट्री इसके अलावा पोल्ट्री पुलिस चिल्ड्रन पीपुल ये ऑलरेडी कैसे होते हैं प्लूरल होते हैं अब अगर ये सारे वर्ड प्लूरल होते हैं तो क्या इनमें ऐसे हीस आ सकता है नहीं आ सकता वर्ड तो प्लुरल सही है लेकिन ऐसे ही एस का यूज इसमें नहीं होगा कैटल जानते हैं क्वाड्रब्द को बोलते हैं चौपाया या चार पैरों वाला ये जानवर तो कैटल जो होता है वो प्लूरल होता है तो इसमें का यूज नहीं होगा आगे कर न्यूज की अगर हम बात करें तो न्यूज हमेशा कैसे होता है सिंगुलर होता है और अगर न्यूज सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली बर्ड भी कैसी होगी सिंगुलर होगी खबर जो उसने मुझे दी क्या सही नहीं थी खबर सही नहीं थी तो खबर सही नहीं थी तो क्या आना चाहिए समझ पा रहे हैं आप बहुत आसान है समझते जाइए धीरे धीरे चीजों को हर old furniture have been sold. ये केवल मैं आपको सारे rules recap करा रहा हूं। जो भी आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़ पाए हैं वो सारे आप इसमें कवर करेंगे वर्ग दे रखा हर ओल्ड फर्नीचर सोल्ड उसने अपना पुराना फर्नीचर क्या किया बेच दिया तो एक बात समझिए या उसका पुराना फर्नीचर बेचा गया तो फर्नीचर जो होता है मैंने आपको बताया था फर्नीचर एक ऐसा नाउन होता है जो अनकाउंटेबल होता है अगर मैं कहता हूं मैंने एक नया फर्नीचर खरीदा तो आप मुझे नहीं बता सकते कि कितनी मेज खरीदी कितनी कुर्सियां खरीदी उसमें तो फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है और फर्नीचर अगर, अगर अनकाउंटेबल होता है तो आप बताइए क्या फर्नीचर हो सकता है क्या करना पड़ेगा फर्नीचर और हैप की जगह आपको करना होगा क्या हैज यानी फर्नीचर सिंगुलर होता है तो भी कैसी आएगी सिंगुलर आएगी आगे बढ़ते हैं ही केम टू द टाउन ऑन फीट आपने कभी सुना ऑन फिट कैसे आया पैदल आया तो ऑन फिट नहीं कैसे आया ऑन फुट आया ही केम टू द टाउन ऑन फुट कैसे आया पैदल आया तो ऑन फीट पैदल नहीं आया कैसे on foot आया ऑन फुट आया द मशीनरीज आर फंक्शनिंग प्रॉपरली देखिए वर्ड क्या मशीनरीज आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ई आर वाई आता है अभी मैंने बताया देखिए मशीनरी की स्पेलिंग क्या होती है एम ए सी एच आई एन ए आर वाई तो मशीनरी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है एमएसआई एन ई आर वाई अगर मशीनरी की बात करें हम तो वाई का प्लूरल लेकिन एक बात समझिए कि अगर लास्ट में ई आर वाई आ रहा है तो इसका तो हम प्लूरल बनाएंगे ही नहीं ना और जब ये सिंगुलर नाउन रहता है तो बर्ब भी हमेशा कैसी आनी चाहिए सिंगुलर आनी चाहिए तो सही सेंटेंस क्या होगा द मशीनरी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली बात समझ पा रहे हैं आप लोग आगे बढ़ते हैं ही हैज लर्नड द अल्फाबेट्स हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज ट हो, तो, का होता, माला. तो मैंने एक, uh, भी कराया था इस रिलेटेड इंग्लिश अल्फाबेट सिंस माई चाइल्डहुड पहले या दूसरे लेक्चर में तो अल्फाबेट वर्ड नहीं होता है. क्या वर्ड होता है अल्फाबेट होता है यह सिंगर होती है याद रखेगा uh,

तो ये क्या बन जाएगा एजेक्टिव बन जाएगा और एजेक्टिव प्लूरल नहीं होता तो हमें यहां लिखना पड़ेगा फाइव फुट या तो ऐसे समझ लो या हाइफिनेटेड नाउन जितने भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं क्लियर याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं ही हैज गॉन टू वेजिटेबल अच्छा होगा कि आप लोग लिखो इसमें वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स क्लियर सब्जियां खरीदने गया क्लियर सब्जी होती तो कोई नाम ले देता या आर्टिकल वगैरह लगा देता तो क्या होना चाहिए सब्जियां जज पास ऑर्डर फॉर इज रिलीज क्या वर्ड आ रहा है ऑर्डर वर्ड आ रहा है आप जानते हो ऑर्डर का मतलब आदेश देना और ऑर्डर होता है आदेश ऑर्डर इज अर्ब यहां देखिए क्या है ये और बर्ब के साथ क्या आ रहा होगा नाउन आ रहा होगा क्लियर क्या पास किया ऑर्डर पास किया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेट काम तो नाउन करता है, करता है मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं ये बातें तो जज पास ऑर्डर या ऑर्डर तो आप कहेंगे सर ये होगा क्या ऑर्डर बात समझ पा रहे हो आगे बढ़ते हैं डो नॉट कॉल हिम नेम यहां पर कॉल हिम नेम से अच्छा आप लोग लिखो कॉल हिज नेम उसका नाम मत पुकारो हम लोग बोलते हैं उनका नाम उसका नाम मत पुकारो तो यहां नाउन जो है पजेसिव केस मैंने आपको बताया था पजेसिव एजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस होता है पजेसिव एजेक्टिव आता है अपने नाउन से पहले एजेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाउन आ रहा है और नाउन को मॉडिफाई करेगा क्लियर नेक्स्ट ही नीड्स अ अब्लोटिंग अब्लोटिंग नहीं होता ब्लोटिंग्स वर्ड होता ब्लोटिंग्स मैंने आपको पढ़ाया था स्याही सोखता होता है जैसे गद्दा वगैरह होता है ना बैंक वगैरह में जो आपने देखा होगा नोट वगैरह तो उस पर कुछ पानी वगैरह का जो रखा हुआ होता है ब्लोटिंग्स ब्लोटिंग्स उसे बोलते हैं हैं आई हैव ग्रांटेड यू फ्रीशिप काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कॉलेज वगैरह फ्री में पढ़ाता है या उन्हें फ्री स्टूडेंटशिप देता है तो वहां फ्रीशिप वर्ड नहीं आता सही वर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फ्री स्टूडेंटशिप फ्री स्टूडेंटशिप सही वर्ड जो आता है वो फ्री स्टूडेंटशिप आता है क्लियर आगे बढ़ते हैं देयर इज नो प्लेस इन द कैबिन कैबिन की बात कर रहा है अगर मान लीजिए कोई कैबिन है चार दिवारी है या कोई गाड़ी वगैरह में अगर आप स्पेस की बात करते हो आप जगह की बात करते हो और क्या बोलते हो गाड़ी में प्लेस नहीं है या स्पेस नहीं है तो अब बिल्कुल आप क्या बोलते हो गाड़ी में स्पेस नहीं है तो यहां पर कैबिन की बात कर रहा हो तो कैबिन में स्थान के लिए यूज होना चाहिए क्या स्पेस यूज होना चाहिए कि कैबिन में क्या नहीं है स्पेस नहीं है क्लियर तो बोलते हैं है काफी तो स्पेसियल मतलब बहुत ज्यादा जगह है अगर नहीं है तो वहां स्पेस नहीं है नहीं कि प्लेस ही द एयर ऑफ अ रिच मैन याद कीजिए मैंने कुछ वर्ड पढ़ाए थे आपको जिनमें एस लगते अर्थ बदल जाता है एयर की अगर हम बात करें तो एयर जो होता है एयर कौन सा नाउन होता है बिल्कुल एयर होता है कौन सा नाउन एब नाउन लेकिन अगर हम उसमें ऐसे एस जोड़ दें एयर्स में एयर में तो वो हो जाएगा फॉल्स बिहेवियर झूठा व्यवहार तो वो हमेशा फॉल्स बिहेवियर करता है कौन सा रिच मैन वाला अमीर आ, लोगों वाला जो झूठा व्यवहार करता है वो तो यहां एयर नहीं आएगा क्या आएगा एयर no का मतलब मैंने बताया था संतान से होता है और जब offspring इशू का मतलब संतान से होता है तो शेप डियर स्वाइन ऑफ स्प्रिंग ये सब कैसे होते हैं सिंगल दोनों में सेम रहते हैं तो सेम रहते हैं तो इनमें एस का यूज होना व्यर्थ है समझ पा रहे हैं आप लोग बात को चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट क्या यूज करो स्पेक्टिकल यूज करो या स्पेक्टिकल्स यूज करो तो आप एक बात समझिए स्पेक्टिकल का मतलब क्या बताया था स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू दृश्य स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है व्यू होता है जबकि स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने आपको चश्मा तो चश्मे का यूज करो किस लिए

तो यहां पर जो होना चाहिए होना चाहिए यू आर ईयर ओल्ड बॉय अभी मैं इसमें से boy हटा तो 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 और और हटा ये तो ये हो जाएगा लेकिन अगर आप आ और boy लगा देते होगा मीन क्लियर नोट कीजिए समझते हैं बोर्डिंग बोर्डिंग वर्ड नहीं होता जैसे रहने के स्थान के लिए क्वार्टर्स वर्ड आता है ऐसे ही आता है बोर्डिंग आई एन जी एस क्लियर आप लोग लेक्चर देखेंगे प्रीवियस तो आपको पता चलेगा तो बोर्डिंग्स जो होता है वो होता है रहने का स्थान तो यहाँ बोर्डिंग नहीं आएगा बोर्डिंग्स आएगा क्लियर आई गॉट मैनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हर मैंने उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की तो इन्फॉर्मेशन क्लियर दूसरा या तो यह मच करो या लिखो मैनी पीसेज ऑफ मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर कैसे भी कर सकते हैं आप इसे सही ही इज अ मैन ऑफ इस वर्ड वह बात का पक्का है या वादे का पक्का है तो यहां वर्ड का मतलब शब्द नहीं है वर्ड का मतलब किससे वादे से है तो अगर वर्ड का मतलब वादे से है तो वर्ड्स नहीं आएगा क्या आएगा वर्ड आएगा समझ पा रहे हैं आप बात को द चिल्ड्रन आर मार्चिंग इन फोर चिल्ड्रन आर मार्चिंग इन फोर ये सेंटेंस कुछ गड़बड़ है क्योंकि इसमें इसे पूरा नहीं दिया गया है आगे बढ़ते हैं द रिश शुड प्रोवाइड द पुअर विथ क्लॉथिंग एंड बीडिंग क्लॉथिंग एंड बैडिंग क्लॉथिंग एंड बैडिंग क्लियर जो रिच है उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए गरीबों को क्या कपड़े वगैरह तो क्लॉथिंग एंड बैडिंग होता है इसमें एस लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है सम पीपुल्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ देखिए पीपुल्स की अगर हम बात करें तो पीपुल के दो मतलब बताए थे मैंने आपको एक पीपुल का मतलब होता है नेशन और एक पीपुल का मतलब होता है पर्सन नेशन की जब हम बात करते हैं तो उस जगह पीपुल का प्लूरल प्लुरल हो सकता है कई सारे राष्ट्रों के लिए आ सकता है लेकिन का का मतलब अगर से है तो वहां पर प्लूरल नहीं होगा क्योंकि तो ऑलरेडी प्लूरल है इसी तरीके से यहां पर आप देखिए राष्ट्रों की बात हो रही है लोगों की बात हो रही है तो आप कहेंगे यहाँ लोगों की बात हो रही है सम पीपुल्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़ों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो पीपुल्स यहां पर्सन से अगर पीपुल्स यहां से है तो आप देखिए पीपुल्स वर्ड नहीं होगा क्या होगा पीपुल वर्ड होगा बात समझ पा रहे हैं आप लोग लेकिन अगर होता आर इन एशिया एशिया में कई सारे पीपुल्स हैं राष्ट्र हैं नेशन है तो वहां आप पीपुल्स कर सकते हो उसका टेक अनदर क्वेश्चन योर सीजर इज ब्लंट तो सीजर वर्ड नहीं होता क्या होता है सीजर्स वर्ड होता है क्लियर ये सीजर्स शीयर्स स्केल्स आपके टोंग्स और क्या वर्ड कराए थे पिंसर्स प्लायर्स ये सारे वर्ड गैलोज बैलोज ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं प्लूरल होते हैं तो अगर ये प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए आर आना चाहिए क्या आना चाहिए आर तो ये हो जाएगा योर सीजर्स आर ब्लंट ड्रेमिंग क्लियर तुम्हारी सीजर्स कैसी है ब्लंट है आ, ये बताया था मैंने आपको दो पार्ट जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो दो पार्ट के होते हैं वो हमेशा प्लूरल रहते हैं आगे बढ़ते हैं हिज सर्वेंट इज अ बॉय क्या वर्ड है का वार्ड की अगर हम बात करें तो ये कुछ वर्ड याद रखेगा सीओ डब्ल्यू एआरडी कावाड़ हो गया निगार्ड हो गया डबल जी ए आर डी निगार्ड हो गया स्कॉलर हो गया स्कॉलर हो गया क्लियर माइजर हो गया माइजर ये ऐसे वर्ड हैं जो तो देखने में एजेक्टिव लग रहे हैं लेकिन होते क्या ये नाउन होते हैं अगर इनका एजेक्टिव आप लोग बनाओगे तो कावाड़ का बनेगा कावाडली निगार्ड का बन जाएगा निगार्डली इसका हो जाएगा स्कॉलरली एस सी एच ओ एल ए आर एल वाई स्कॉलरली हो जाएगा माइजर miser का माइजरली हो जाएगा क्लियर देखिए बात सही है आपकी कि एल वाई लगाकर हम लोग एडवर्ब बनाते हैं जैसे स्लो का स्लोली हाई का सॉरी हाई तो ऑलरेडी एडवर्ब और एबजेक्टिव दोनों का काम करता है आ, से भी एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है जैसे अगर मैं हैप्पी तो हैप्पी का क्या बनेगा हैप्पीली बनेगा का 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 बनेगा 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 तो बनते हैं लेकिन ये चार ऐसे हैं जिनमें बनता है ना कि याद रखिएगा अगर इनका बनाएंगे तो ये होगा इना कावर्डली मैनर निगार्डली मैनर इना माइजरली मैनर इना स्कॉलरली मैनर क्लियर वो जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब जानेंगे फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा तो अगर इसकी बात करें तो ये भी नाउन है तो इसमें जरूरत नहीं है या इसे काम कीजिए इसे एजेक्टिव बना दीजिए तो ये हो जाएगा कॉवर्ड या तो एक तरीका ये या एक में से एक नाउन हटा दीजिए बॉय हटा दीजिए तो भी कॉवर्ड सही है क्योंकि आर्टिकल ए आई रहा है इसमें बात समझ पा रहे हैं आप लोग एजेक्टिव बनाओगे तो कॉवर्डली हो जाएगा और ये इसको मॉडिफाई कर देगा नाउन को क्लियर नेक्स्ट दिस इज नॉट कॉपी तो कॉपी से अच्छा हम लोग बोल देते हैं कॉपी लेकिन होना क्या चाहिए नोटबुक होना चाहिए दिस इज नॉट नॉट माई नोटबुक क्लियर कॉपी नहीं होता क्या बोलना पड़ेगा नोटबुक नेक्स्ट द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज

उसी के बाद आप लोग एडवांस लेवल की शीट को कवर कर पाएंगे और बहुत आसान तरीके से हम उन्हें अभी करेंगे आप यकीन मानिए आप अगर इन चीजों को कर पा रहे हो आप सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखते हो पढ़ते हो नोटबुक नोट्स तैयार करते हो उनके तो आप देखिए किस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो मैं अपने शीट के नहीं बोल रहा हूं कोई भी दुनिया कोई भी क्वेश्चन हो जो नाउन से रिलेटेड हो आप उसे कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हिज ट्राउजर इज नॉट लूज ट्राउजर वर्ड नहीं होता क्या होता है ट्राउजर्स वर्ड होता है ट्राउजर्स पैंट्स जीन्स ट्राउजर्स शॉर्ट्स ब्रीचेस स्टॉकिंग्स ये सारे वर्ड लिखे थे तो जो हमने वे से नीचे पहनते हैं वो सब प्लूरल में आते हैं केवल स्कर्ट को छोड़कर क्योंकि वो सिंगुलर रहती है तो अगर हम बात करें ट्राउजर्स की तो ट्राउजर्स इज नहीं होगा क्या होगा आर अगर मुझे बोलना है कि मेरा पजामा गंदा है तो मुझे बोलना चाहिए मैं पजामाज या माई ट्राउजर्स आर डर्टी क्लियर याद रखेगा नेक्स्ट वर्ड वॉट आर द लेटेस्ट न्यूज न्यूज सिंगुलर होता है प्लूरल होता है तो आप कहेंगे सर न्यूज जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर होता है तो वर्ग भी कैसे आनी चाहिए

वॉन्ट्स आ पेपर पेपर कौन सा नाउन है पेपर पेपर होता है आपका मेटेरियल नाउन मेटेरबल होता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैंने बताया था कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता तो अगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता अच्छा एक बात बताइए अगर पेपर की जगह पेपर शीट होता तो कौन सा नाउन होता पेपर शीट होता तो यह आप कहते हैं ये सर नाउन होगा कौन सा कॉमन नाउन तो आ, आ सकता था लेकिन अब पेपर है तो इसमें आ का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि यह मेटेरियल नाउन हो जाएगा नेक्स्ट ही लाइक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल क्या हटाना है फ्रूट करना है सही है बताया था फ्रूट्स का मतलब हार्ड से होता है यू शुड कंटिन्यू योर स्टडी सेंटेंस कैसा है सही है द फर्स्ट इनिंग इज ओवर इनिंग वर्ड नहीं होता क्या होता है इनिंग्स होता है सम्मान सीरीज इनिंग्स ये सब पढ़े थे हमने लास्ट लास्ट में में वाले लेक्चर नेक्स्ट वी गो टू श्रीनगर ड्यूरिंग द समर वेकेशन क्या वर्ड आ रहा है वेकेशन एक वर्ड होता है होलीडे और एक होता है वैकेशन होलीडे का जब आप प्लूरल बनाते हो तो होलीडे हो सकता है लेकिन वैकेशन का जब आप प्लूरल बनाते हो तो वैकेशन का प्लूरल प्लुरल नहीं होता क्योंकि जो होता होता है है वो हमेशा सिंगुलर तो वर्ड नहीं होगा क्या होगा क्या क्लियर ही सिक्योर्ड ओनली पासिंग मार्क मार्क का मतलब होता है चिन्ह जबकि हमें चाहिए यहां मार्क्स अंकों की बात हो रही है दूसरा पासिंग मार्क्स हम जनरली कॉलिकल लैंग्वेज में बोल देते हैं लेकिन सही जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए पास मार्क पास मार्क्स क्लियर तो सही वर्ड जो होगा वो पास मार्क्स होगा पासिंग मार्क्स नहीं होगा आगे बढ़ते हैं फोर थाउजेंड आर अग अमाउंट चार हजार एक बड़ा अमाउंट है तो चार हजार होल जब आप उसे होल के रूप में लेते हो कंप्लीट रूप में लेते हो तो वहां वो हमेशा कैसा रहता है सिंगुलर रहता है तो अगर ये सिंगुलर है 5000 को क्या मान रहे हो आप एक बड़ा अमाउंट क्या मान रहे हो देखो एक बड़ा अमाउंट तो पांच हजार रुपए जब एक बड़ा अमाउंट मान रहे हो तो यह सीधी सी बात है क्या आना चाहिए इज आना चाहिए लेकिन अगर यही होता कि रुपीज वर लॉस्ट तो वो प्लूरल होता पांच हजार रुपए खो गए वो प्लूरल में आता क्लियर नेक्स्ट ही फोर ब्रेड तो सबसे पहले ब्रेड मेटीरियल नाउन है तो ऐसे यस नहीं आ सकता दूसरा फोर आ रहा है एडजेक्टिव आ रहा है तो बताना पड़ेगा ना ब्रेड का प्लूरल तो अब याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेड का प्लूरल जब बना सकते हो तो या तो लोब्स या स्लाइसेस Slices ऑफ ब्रेड तो या तो लोव कीजिए या क्या कीजिए slices ऑफ ब्रेड या तो लोव ब्रेड या slices of bread. I have रेड द पोएट्रीज ऑफ टैगोर पोइट्रीज आप लोग जानते हैं पोइट्री का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ poems. कलेक्शन ऑफ poems. तो पोइंट्स का कलेक्शन ही होता है पोइट्री तो poetry का प्लूरल नहीं होता तो पोइट्री या तो आप पोइंट्स कर दो इस जगह या पोइट्री करो पीओ टी आर वाई क्लियर नेक्स्ट ज लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है देखिए एजी -E आ रहा है सिंगुलर रहेगा जिसमें ए जी आता है वो सिंगुलर रहता है लेकिन वर्ड आ रहा है इसमें फाइव पांच पांच लगेज तो पांच की अगर हम बात करें तो प्लूरल तो बनाना पड़ेगा इसका तो हम लगेज का जब प्लूरल बनाएंगे तो लिख सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ लगेज क्या कर सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ लगेज कर सकते हैं बात समझ पा रहे होंगे आप ज लगेज आर एट द स्टेशन लगेज लगेज में क्या हटेगा आर हटेगा और आर की जगह क्या आएगा इज आएगा एस हटेगा और आर की जगह क्या आएगा ए आएगा समझ पा रहे होंगे आप बात को बहुत आसान चीजें हैं आप धीरे धीरे कवर कीजिए आपके सारे रूल्स कवर हो जाएंगे इनसे लेकिन वीडियो लेक्चर जरूर देखिए वो आपके फायदे का है अच्छे तरीके से जब आप देखेंगे तो आप मेन्स की शीट को भी आसानी से कर पाएंगे नेक्स्ट ही डिड हर मैनी मिशिप यह हर का कोई मतलब नहीं है और मैनी अगर आ रहा है मिशिप का मतलब होता है शरारत तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ये और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो प्लूरल होता है वो बन नहीं सकता ऐसे yes लगाकर लेकिन अगर हमें फिर भी बनाना पड़ा तो हम लोग तो होता, क्या होता है? गैलोज वर्ड होता है आप याद करो दो वर्ड है, तो गैलोज एंड बैलोज, बैलोज होता, है और गैलोज होता है फांसी का तख्ता जो प्लूरल होता है जब फांसी लगती है तो ऐसे नीचे जाता है तो दैट इज गैलोज तो गैलो वर्ड नहीं होता गैलोज वर्ड होता है आगे म टू दुअर आम वर्ड नहीं होता क्या वर्ड होता है आर्म्स वर्ड होता है आर्म्स का मतलब होता है भीख या दान आर्म्स प्रोसीड अर्निंग सेविंग्स ये सारे वर्ड लिख रहे थे मैंने आप लोगों को जो प्लूरल रहते हैं तो ये होगा यू मस्ट गिव आर्म्स टू द पुअर आगे कह रहा है आई हैव हर्ड द ग्लैक टाइडिंग टाइडिंग वर्ड नहीं होता मैंने अभी आपको बताया खबरों के लिए वर्ड क्या आता है टाइडिंग्स वर्ड आता है खबरों के लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है टाइडिंग्स वर्ड आता है टाइडिंग कोई वर्ड नहीं होता नेक्स्ट मीजल्स आर दी एन इन्फेक्शियस डिजीज देखिए कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे मीजल्स मम्स रिकेट्स प्लेग फ्लू और मैंने भी आपको बताया है कि इनसे पहले आर्टिकल दा एडमिट करती है यानी पांच बीमारियां ऐसी हैं मीजल्स मम्स प्लैग रिकेट्स और फ्लू इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है तो सबसे पहले तो आर्टिकल चाहिए यहां पर दूसरा मीजल्स कोई बीमारी का नाम है। और बीमारी का नाम हमेशा कैसे रहते हैं सिंगुलर रहते हैं में मैंने आपको बताया कि बीमारी जितनी भी मॉम्स रिकेट्स ऐसी नाउन हमेशा कैसा होता है सिंगुलर होता है अंटिल इट इज नॉट ज्वाइंट बाई केस क्लियर नेक्स्ट माई थैंक इज ड्यू टू हर थैंक और थैंक्स

परचेज द ग्राउंड क्या खरीदा उसने ग्राउंड खरीदा या फील्ड खरीदा या तो फील्ड कर लीजिए या फ्लोर कर लीजिए ग्राउंड नहीं आएगा क्या आएगा फील्ड या फ्लोर हिज वेज इज लो वे होगा दूसरा वेजेस जो होता है वो दो तरीके से यूज होता है जैसे अगर मैं कहूं द वेजेस इन इंडिया इज क्वाइट मीगर एम ई द वेजेस इन इंडिया इज क्वाइट मीगर तो इज नहीं आएगा क्योंकि वेजेस का मतलब यहां मजदूरी से कि मजदूरी जो इंडिया में है, बहुत कम है द वेजेस इन इंडिया आर क्वाइट मीगर क्लियर लेकिन जब मैं बोलता हूं द द वेजेस वेजेस ऑफ ऑफ पाप पाप इज डेथ का जो परिणाम होता है वो मृत्यु होती है तो वेजेस के दो मतलब हुए वेजेस का मतलब जब रिजल्ट से होता है तो वो हमेशा सिमुलर होता है वेजेस का मतलब जब लेबर से होता है मजदूरी से होता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है अब आप यहां देखिए रिजल्ट है मजदूरी है तो यहां बात हो रही है उसकी जो मजदूरी है बहुत कम है तो मजदूरी है तो यहां पर क्या आना चाहिए आर आना चाहिए बात समझ पा रहे हैं आप लोग नेक्स्ट टू ग्रेट पेन टू प्लीज हिज पेन दर्द होता है कष्ट के लिए वर्ड क्या आता है Pains आता है। कष्ट के लिए क्या आता है? Pains. तो है तो वह अपना बहुत ज़्यादा है. किस बात के लिए? अपने आपको फ्रैक्शन में ये वाला टॉपिक कराया फ्रैक्शन जो मैंने आपको एक पॉइंट है नाउन में जब मैंने नाउन पढ़ाया सेंटेंस अगर दे रखा होता वन फोर्थ ऑफ एन एप्पल वॉज रोटन एक चौथाई एक ही एप्पल है उसका एक चौथाई भाग कैसा है सड़ा हुआ है तो एक ही एप्पल का एक चौथाई भाग जो होगा वो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा तो आप कहेंगे सर ये हो कैसा होगा सिंगुलर होगा तो वहां क्या आना चाहिए सिंगुलर बार बार नहीं चाहिए लेकिन अगर मैं कहता हूं सौ या हंड्रेड एप्पल्स हैं और उनका वन फोर्थ पार्ट कैसा है खराब है या सड़ा हुआ है तो अगर 100 एप्पल की बात करते हैं और उनका एक चौथाई भाग की अगर बात करें तो वो पच्चीस होगा और पच्चीस 25 25 जो है, खराब हैं तो होंगे? होंगे, पच्चीस होंगे तो कि अगर ये एक एप्पल तो का दो तिहाई भाग खराब है चल जाता काम अब ये अब मान लो सौ है उनके दो त्याई तो प्लूरल होंगे, और प्लूरल होंगे तो क्या आना चाहिए सही है यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड देखिए जितने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं तुम उनमें से एक हो अभी मैंने बताया ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए हो तो नाउन हमेशा कैसा आता है प्लूरल आता है तो फ्रेंड वर्ड नहीं आएगा क्या आएगा फ्रेंड्स आएगा एफ आर आई ई -E एंड डी एस एफ आर आई ई -E एंड डीएस फ्रेंड्स क्लियर कि जितने ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तुम उनमें से एक हो ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए हो रहे हैं तो नाउन प्लूरल आएगा ही स्टोरी इन डिटेल्स उसने स्टोरी नरेट की किसमें डिटेल में डिटेल्स में. में, में तो डिटेल वर्ड होता है डिटेल्स नहीं होता नेक्स्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिस कॉलोनीज टेन थाउजेंड कहना सही है टेन वर्ड आ गया नोमिकल एजेक्टिव थाउजेंड हंड्रेड इसको डजन इनसे पहले अगर नोमेरिकल एजेक्टिव आता है तो इनमें एस आई एस यूज नहीं होता ठीक समझिए ज अफ इज वर्ड अभी मैंने आपको बताया वर्ड का मतलब अगर वादे से होता है तो वहां पर वर्ड्स नहीं होगा क्या होगा वर्ड होगा समझ पा रहे हैं हैं आप लोग चीजों को चलिए आगे बढ़ते द डैमेज डैमेज तो जो होता है ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन है तो एपसेंट नाउन एप्सेंट नाउन सिंगुलर होता है जाएगा दूसरा मैनी की जगह आप अच्छा होगा कि इसमें क्या यूज करो मच यूज करो मैनी अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आता हमेशा क्या आता है मच आता है देयर वॉज अ लेटर ऑन इज ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्लोर ऑन ऑफ द रूम रूम के अगर हम उसकी बात करें नीचे बॉटम की तो वो ग्राउंड होता है फ्लोर होता है तो आप कहेंगे रूम का ग्राउंड नहीं होता रूम का क्या होता है फ्लोर होता है तो यहां ग्राउंड नहीं आना चाहिए क्या आना चाहिए फ्लोर आना चाहिए समझ पा रहे हैं बात को आगे बढ़ते हैं योर शेड वॉज रिफ्लेक्टेड इन द वॉटर दो वर्ड होते हैं एक शेड होता है एक शेडो होता है शेड का मतलब होता है छाया शेडो का मतलब होता है परछाई तो तुम्हारी क्या पड़ रही है परछाई पड़ रही है छाया पड़ रही है तो आप कहेंगे सर

तो यहां क्वांटिटी नहीं आएगा क्या आएगा नंबर आएगा सेंटेंस होगा आई वॉट आर नंबर ऑफ बुक्स समझ पा रहे हैं आप बात को चलिए समझिए आगे मेनी फीमेल्स वर इन द रूम फीमेल से अच्छा आप लिखो विमेन फीमेल से अच्छा क्या लिखें आप लोग विमेन लिखें जेंडर वाले टॉपिक में पढ़िएगा वहां पर हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है चलिए आगे दे इंजॉयड आर थिएटर उन्होंने थिएटर इंजॉय किया देखिए थिएटर इंजॉय नहीं किया जाता मूवी इंजॉय की जाती है क्लियर थिएटर आप जानते हैं जहां मूवी चलती है दूसरा थिएटर वो भी होते थे जहां जैसे शेक्सपियर का था ग्लोब थिएटर रोज थिएटर तो थिएटर जिसमें ड्रामा वगैरह प्ले किए जाते थे तो, तो ड्रामा एंजॉय किए जाते हैं मूवी एन्जॉय की जाती है लेकिन थिएटर इन्जॉय नहीं किया जाता सिनेमा आ सकता है मूवी आ सकती है ड्रामा आ सकता है आई सो हर ऑनर वे टू होम होम जो होता है ये एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब से पहले कभी टू का यूज नहीं होता अगर ये सेंटेंस होता आई वेंट टू माई होम तो वहां पजेसिव आने की वजह से टू आ सकता था लेकिन अगर डायरेक्ट होम से पहले टू की बात करें तो वहां टू का यूज कभी नहीं होगा तीनों ही कंडीशन में शी इज सिस्टर 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 कैसे sister? Cousin's sister. कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा हम लोग सुपरफ्लू बोलते हैं कई बार आप लोगों ने सुना होगा रिवर्स बैक ले रिवर्स का मतलब ही बैक बैक से है रिटर्न टू मुंबई रिटर्न बैक का क्या मतलब रिटर्न का मतलब ही लौटने से होता है तो कुछ लोग जो होते हैं सपर फ्लूस बोलते हैं सुपर फ्लूस किस लिए ताकि उन्हें थोड़ा सा डिफाइन किया जा सके जैसे फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचते हैं बोलते हैं हम लोग तो डेस्टिनेशन ऑलरेडी कैसा होता है फाइनल होता है तो वहां जैसे पिक पॉकेटर है तो पिक पॉकेट वर्ड होता है पिक पॉकेटर वर्ड नहीं होता क्लियर तो कजन सिस्टर हम डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं कजन सिस्टर है कजन ब्रदर लेकिन ग्रामेटिकली जो होता है वो कजिन ही बोलना पड़ेगा आपको कजन सिस्टर है कजन ब्रदर नाम की कोई चीज नहीं होती ही गे फॉल्स बिटनेस अंगेस्टमी उसने क्या दिया फॉल्स बिटनेस दिया फॉल्स बिटनेस नहीं दिया फॉल्स एविडेंस दिया बिटनेस होता है गवाह तो गवा दिया नहीं जाता गवाह प्रेजेंट किया जाता है लेकिन अगर वो देने की बात करें तो वहाँ अच्छा है कि आप यूज़ करो फॉल्स बिट एविडेंस क्लियर तो ये हंड्रेड वर्ड्स थे हंड्रेड सेंटेंसेज थे जो हम कवर किया आज हम हमने और आगे आने वाले समय में यानी कल की अगर हम बात करें तो कल फिर से हंड्रेड और सेंटेंस इसी तरीके से कवर करेंगे उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल की शीट पर तो कुछ बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो जारी रखेंगे आप लोगों के कोई भी एग्जामिनेशन हो आप लोगों का उसकी तैयारी के लिए बाकी आप लोग समझदार हैं अच्छे तरीके से पढ़िए मेहनत करिए जो भी डाउट वगैरह वो भी आप पूछ सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप डाउट नहीं पूछते हैं डाउट ना पूछ सकें हम लोगों को क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती है नीचे तो वहाँ पर हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं आ, वी कम्प्लीट कॉट अप इन डूइंग और इन टेकिंग क्लासेस दैट वी आर रेयरली वी रेयरली गेट टाइम टू प्रजेंट आर सेल्फ बिफोर यू और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड इट्स माई प्लेजर

आप लोग शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो सारी चीज़ों को देखिए समझिए एग्जाम की आप चिंता मत कीजिए एग्जाम जब होगा तब होगा फिलहाल आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ों को हम लोग आगे कर पाते हैं धीरे धीरे सीख पाते हैं और सैटरडे वाली जो क्लास रहती है वो आपकी वर्ड्स की जो क्लास होती है उसे बिल्कुल मत मिस कीजिए क्योंकि वो एक ऐसी क्लास है जिसमें वर्ड्स को हम लोग बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे बेसिक तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसके अलावा एडियम्स भी पढ़ेंगे आप लोग उसमें उसमें आप लोग ई के अलावा जितने भी आपके पैराग्राफ है उसे भी कवर करेंगे पी क्यू आर एस भी कवर करेंगे तो चीज़ों को धीरे धीरे आप समझते जाइए बाकी कल मिलते हैं